छे हमारा अगिलको साल बहुत बेहतर रहल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जिला परिषद सदस्य श्री मनीष कुमार झा जी से आग्रह करबे कि अपने मंच पर अबियो। माननीय जिला परिषद के सदस्य मधुपुर भैया के दिक्कत है। श्रीमती नसीमा परवीन जी बेनीपट्टी से आग्रह करबें कि अपने मंच पर अबियो। माननीय जिला परिषद सदस्य श्रीमती नसीमा परवीन बेनीपट्टी क्षेत्र संख्या 5। आग्रह करबें जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 बेनीपट्टी माननीय सदस्य श्रीमती प्रियंका चौधरी झा जिनकर हम सार्थक आप फोटो से हो क्यों खींच देवे जिनकर आप हम आग्रह करबे क्षेत्र माननीय क्षेत्र संख्या 8 से जिला परिषद सदस्य श्रीमती ज्योति देवी क्षेत्र संख्या 8 मधुबनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 बेनीपट्टी इना आगा अहिना हम सब कार्य करत रही। हम क्षेत्र संख्या 9 मधुबनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 श्रीमती अलका झा बेनीपट्टी अगर वो अपने आयल वो एखन इलाजावस्था में अगर हर को प्रतिनिधि आयल तो रिसीव कर सकते खातून जी से कि अपने मंच पर अभी आपदा खातून क्षेत्र संख्या 11। अब हम संगे संग हम सब लोग जनता मालिक के द्वारा जीत के आए थे और शपथ लिए थे कि 5 साल तक लगातार हम जनता की सेवा करेंगे। उसी कर्म में 1 साल हम लोग का बीता है। मजबूती से हम लोग पूरी आशा इरादा जितना मजबूत रखे थे काम करने का धरातल पे भी उतना ही है। दिखाई देने में थोड़ा सा समय लगेगा मुझे पता है, लेकिन साल का पहला 6 महीना हम सब लोग नए थे। हम सब लोग को सेटल होने में ऊपर से काफ़ी सारी योजनाएं और गाइडलाइंस नहीं आई थी, पेमेंट सिस्टम नया था, इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होने में टाइम लगा, लेकिन अभी सब चीज़ वर्कफ्लो बहुत स्मूथ है और आशा और उम्मीद करती हूँ आप लोग का साथ सहयोग ऐसा ही बना रहेगा। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि राजनीति में पक्ष विपक्ष ऐसा कुछ होता है। आप सब लोग मेरे घर के सदस्य हैं। सदन में भले ही कुछ हम लोगों के बीच बात विचार में मिलान नहीं रहता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अध्यक्ष को किसी से प्रेम और लगाव नहीं है। मुझे उतना ही प्रेम और लगाव आप लोगों से है जितना आप लोग को मुझसे है। मैं यहाँ पे राजनीति करने नहीं आई हूँ, आप लोग को भी पता है मैं बहुत नई हूँ राजनीति में। बिना आप लोग के सहयोग के, बिना आप लोग के समर्थन और आशीर्वाद के बिल्कुल संभव नहीं है कि इतना बड़ा जिला बिहार का सबसे सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट जिला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। इसका विकास तभी हो सकता है जब हम 56 पार्षद एक 56 मजबूत कड़ी की तरह रहेंगे। बचपन में तो वो कहावत सुने ही थे कि एक लकड़ी को अगर आप तोड़ने का प्रयास कीजिएगा बहुत आसानी से टूट जाएगा, लेकिन वो लकड़ी का अगर गुच्छा साथ रहता है उसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो वो नहीं टूटेगा। तो वो हम जिला परिषद हम सब 56 एक साथ हैं। कितना भी कोई प्रयास कर ले कुछ हो जाए बिल्कुल बिखरने वाले नहीं है। सब लोग घर जैसे हैं, भाई बहन रहे, बड़े चाचा रहे, अंकल आंटी रहे। मैं तो सबसे छोटी हूँ, मेरा ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि आप लोग सब मेरे लिए गार्जियन जैसे हैं। कुछ मेरे हम उम्र के लोग हैं तो मुझे हर एक रिश्ता आप लोगों में दिखाई देता है, तो अनऑफिशियली भी मैं सब लोगों को उस रिश्ते के नाते के हिसाब से एड्रेस करती हूँ, बुला लेती हूँ, तो मुझे और खुशी मिलती है कि नहीं मैं एक पद पे हूँ ठीक है, लेकिन बिना अनऑफिशियल कार्यक्रम के आप लोगों के साथ पारिवारिक रूप से मैं मिलती हूँ मुझे बड़ा खुशी महसूस होता है।
आप लोग का साथ सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। जिला परिषद मधुबनी अनलिमिटेड काम करेगा और अनलिमिटेड प्रोग्रेस करेगा। बिहार में मधुबनी का नाम हो कि सबसे सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट है तो डेवलपमेंट में भी सबसे टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बने, इसका प्रयास मेरा हमेशा से बना है। इसका 360 डिग्री हम डेवलपमेंट करें, बिना आप लोग के साथ का ये बिल्कुल पूरा नहीं होगा। आज आप लोग इतने ठंड के समय में भी समय निकाल के आए, ये कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं चाह रही हूँ आने वाले और जो 4 साल है हमारे, मैं आप लोगों को वादा करती हूँ अगला साल इससे भी ज्यादा धूमधाम से हम मनाएंगे, उसका अगला साल उससे भी ज्यादा धूमधाम से हम मनाएंगे। हर एक साल हम लोग ये आयोजन जरूर करेंगे और मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अभी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन कि आप लोग समय निकाल के आए, ऐसे विश्वास मुझ पर बनाए रखिए। आप लोग इस तरह मोहब्बत की शुरुआत की इस तरह मोहब्बत की शुरुआत की इस तरह मोहब्बत की।